বন্ধ কর। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। वैसे मैं रात भर ये काम कर चुकी हूँ, अभी बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही है, हाथ दर्द करने लगे हैं। दो पैसे बचाने के लिए मैंने खुद ही ये सारा काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं भी एक्सपीरियंस करूँ। वैसे मुझे ना कलर करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे जैसा और कौन कौन है जिसको कलर करना बहुत पसंद आता है, इसकी खुशबू, खासकर तो मुझे इसकी जो खुशबू है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी तब जब भी घर में वो पेंटर पेंटिंग करने आते थे ना, मैं उनके पास बैठ के देखती रहती थी कि वो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। मैंने कुछ सीखा तो है नहीं, बस थोड़ा सा देख दुख के अपना दिमाग ध्यान लगा के ये सब करना मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया, तो मैं करने लगी। ये खिड़की, ये सारी जगह मैंने पेंट कर दिया है। अब नीचे का थोड़ा सा बहुत रह गया है, वही पेंट कर लेते हैं। तो मिलते हैं रिनोवेशन के बाद, और इसके लिए मुझे कितना खर्चा लगा अगर आपको जानना है तो बने रहे मेरे चैनल पर। मेरे चेहरे पर आज मत जाइए, पसीना पसीना है, काम कर रही हूँ ना तो दिखाना तो चाहिए असली सच। चलिए देख लेते हैं कि आखिर में मैं कैसे अपनी किचन को सजाती हूँ। दूर से देखते हुए चलेगा नीचे बसे। अभी जुगाड़ से सब कुछ हो गया, किचन बिल्कुल साफ सुथरा मैंने कर दिया है, कलर भी कर लिया। देखिए इस जगह पे मैं कुकिंग करती हूँ तो यहाँ मैंने पेपर लगाया है, दिस आर ऑल पेपर्स। तो क्या होता है, पेपर लगाने से एक अच्छी बात ये है कि जब भी ये पेपर गंदे हो जाएंगे ना, मैं उनको रिमूव करके दूसरा भी शीट लगा सकती हूँ। और यहाँ ज्यादातर हमारे किचन में ऑयल का काम बहुत ज्यादा होता है तो ऑयली हो जाता है सारा सरफेस। तो मैंने क्या किया, यहाँ इन सबको ढक्कन लगा के रखती हूँ, इनको मैं बार बार साफ करती रहती हूँ। और इस कॉर्नर में मेरा ये सारा कुछ रहता है। और बाकी अभी इस साइड को मैं दिखाती हूँ, इनको मुझे रिनोवेट करना है सही तरीके से। सब मैं ढक्कन लगा के ही रखती हूँ, जहाँ से भी हवा अंदर चली जाती है ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है, तो इस एरिया को भी मुझे अब थोड़ा सा ठीक करना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता देती हूँ ये पूरा खर्च मुझे लगा है 400 रुपये का। मैंने पेंटिंग और ब्रश वगैरह लिया था, पेपर मैंने लिया है 145, मतलब 145 रुपीज़ का पेपर था। और ये वॉल पेपर मेरा ज़्यादा खर्चा हो गया, इसका कीमत मुझे लगा 800 रुपीज़। इसमें मुझे अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ दूसरी चीज़ों के लिए। तो देखिए ये स्टोन का एक रेप्लिका है, एकदम स्टोन जैसा लगता है कि नदी किनारे जैसे स्टोन वगैरह रहता ना, बिल्कुल उसी का एक इम्प्रेशन है। तो मैंने इसी से मैचिंग करते हुए मेरा ये सारा कुछ किया है। यहाँ भी कलर मैंने ग्रे लुक में लिया तो इससे थोड़ा सा रिजम्बल करेगा। बाकी मैंने और कुछ नहीं छेड़ा, क्योंकि ऊपर मैं करने जाऊंगी तो बहुत ज्यादा मुझे करना पड़ेगा, आई कांट डू दैट टाइप दैट मच ऑफ वर्क। सो मैंने थोड़ा सा चेंज करके बस देख लिया। अब बाकी यहाँ का जब पूरा सही हो जाएगा ना तब तो आपको अच्छा लगेगा। अब जब किचन नया लुक में ही आ गया है तो क्यों ना अच्छा सा कोई कुछ पकवान खिला जाए, खाया जाए। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज दोपहर का लंच में मटन और साग। बस ये है आज की रेसिपी हमारी, मतलब लंच की मेनू ये है, क्या है, मटन और साग। बस इसी में काम चलाएंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है ये सब रिनोवेशन वगैरह करते हुए। और झटपट मैं बनाऊंगी मटन
मिलते हैं आपसे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। दोपहर में खाने में आज क्या क्या बना पाई मैं? ये है साग और टंटर मटन 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 हो गया आज दोपहर का खाना मेरे लिए तो। देख रहे हैं कितना ओ, आज मैं बस इतना ही बना पाई। अब आपको आवाज सुनाई दे रहा है ना, जिस आदमी की आवाज आपको कभी सुनाई नहीं देता बिना बोले कैमरा ऑन कर देने के बाद ओ पकड़े गए आप, आपकी आवाज सभी ने सुन ली। तो ये खाने के बाद मिठाई तो बनता ही है, बढ़िया सा एक मिठाई है, सुन लिया सबने। आप बोलने से अब अपना छुपाने से कोई फायदा नहीं है, तो जग को पता चल गया ये मिठाई। ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा है। ये कच्चा आम पापड़ की मिठाई है और ये पक्का आम पापड़। टेस्टी टेस्टी टेस्टी, खा के ही दिखाते हैं आपको। अब मैं एकांत में बैठ के इस मिठाई की मजा ले लेती हूँ। टेस्टी सा है। बैकग्राउंड में आपको कुछ सुनाई दे रहा है? टॉम एंड जेरी का लड़ाई चल रहा है वहाँ मटन की पीसेस को लेकर। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, बस बहुत हो गया। कल से मैं काम करते करते थक चुकी हूँ। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो देखते रहना।